नमस्कार, ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का बंगाल में पीएम मोदी का संबोधन, सीएम ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। बंगाल में कमल जरूरी, सिंडिकेट के हवाले बंगाल, यानी ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि टीएमसी को बेटी की चिंता नहीं, बंगाल में किसान को लूटा, टीएमसी को गरीब की परवाह नहीं। यानी बंगाल में पीएम मोदी का संबोधन हुगली से था, जिसमें सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उस दौरान कहा कि बंगाल को कमल की सख्त जरूरत है और सिंडिकेट के हवाले बंगाल, बंगाल को बंगाल परिवर्तन चाहता है, टीएमसी को बेटी की चिंता नहीं है, बंगाल में किसान से लूट, टीएमसी को गरीब की परवाह नहीं। इसी के साथ ही अगली खबर आपको हरदोई से बताते हैं। तो इस वक्त अब आपको हम हरदोई से खबर बता रहे, जहां पर मासूम के साथ रेप और हत्या में आरोपी को फांसी की सजा। आरोपी गुड्डू उर्फ बब्बू को फांसी की सजा, 13 माह की मासूम बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। तो हरदोई से इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें मासूम के साथ रेप और हत्या में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी गुड्डू, जिसका नाम गब्बू, तो 13 माह की मासूम बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, उस मामले में उसे फांसी की सजा का आदेश आया है। मासूम के साथ रेप और हत्या में आरोपी को फांसी की सजा की बात कही गई है। आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को फांसी की सजा, तो 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ किया गया था ये दुष्कर्म। हरदोई से आपको इस वक्त हम लगातार खबर बता रहे हैं, जिसमें मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। गुड्डू को उर्फ गब्बू को ये फांसी की सजा सुनाई गई है, जो 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो हरदोई से आपको लगातार खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ ये किया गया था दुष्कर्म। तो मासूम के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा हुई है, यानी आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया गया था। इस दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आज गब्बू यानी उर्फ गुड्डू को आज फांसी की सजा की बात कही गई। हरदोई से आपको लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया गया था। हमारे संवाददाता गुलफाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गुलफाम, क्या कुछ इसके अलावा अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है गुड्डू को जो फांसी की सजा सुनाई गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये पूरा मामला छह वर्ष पूर्व का है, जहां 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या का मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायाधीश ने प्रथम श्रेणी में मानते हुए आरोपी गुड्डू उर्फ गुब्बू को फांसी की सजा सुनाई है। परिवार का क्या कुछ रिएक्शन आया है अभी तक गुलफाम? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पीड़ित का परिवार जिस तरीके से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज उनकी लड़ाई सफल हुई है और उनको बिल्कुल न्यायपालिका पे भरोसा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें आम जनमानस को भी न्यायपालिका पे भरोसा हुआ है। ठीक है, क्या ये जो फांसी का ऐलान जो हुआ न्यायाधीश ने जो किया, क्या कुछ अभी तक इसकी डेट तारीख समय कुछ क्लियर हो पाया है? नहीं, अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला सुनाया, आगे चल के उसमें मुलजिम के पास भी ऑप्शन होता है कि वो आगे उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई करे, अपनी मतलब अपील कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलफाम। गुलफाम हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम अहम जानकारियां हमें दी कि फैमिली का रिएक्शन आया, परिवार का रिएक्शन आया है इस मामले पर, जो 13 साल की बच्ची मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है, तो उसमें परिवार का अपना रिएक्शन आया कि जिस वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे लगातार, अब उन्हें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिला है कि हाँ आरोपी को दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अभी भी
अपील की बात लगातार कही। इसी के साथ ही अब आपको आजमगढ़ से एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पे आजमगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, छापेमारी में रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया बाबू, यानी स्वास्थ्य विभाग में घूस लेते पकड़े गए हैं बाबू। एंटी करप्शन टीम गोरखपुर ने लिया हिरासत में, स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चल रही थी घूसखोरी। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, तो आजमगढ़ में खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ये छापेमारी की गई है। छापेमारी में रंगे हाथ घूस लेते हुए बाबू पकड़े गए हैं, स्वास्थ्य विभाग में घूस लेते पकड़े गए हैं। इसी के साथ ही अब आपको अगली खबर प्रयागराज से बता देते हैं, जहां पर एसडीएम पेशकार की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया। एसडीएम पेशकार की खेत में यह शव पड़ा मिला है, संदिग्ध हालत में खेत में शव मिला। मेजा तहसील में कार्यरत थे एसडीएम पेशकार, यानी खेत में शव मिलने से क्षेत्र में फिलहाल सनसनी का पूरा माहौल है। मेजा थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव की ये पूरी जानकारी मिल पा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर अभी पहुंच चुकी है वहां पर पुलिस, और एसडीएम पेशकार की ये रहस्यमयी मौत का मामला सामने है, जो एसडीएम पेशकार की खेत में एक शव पड़ा मिला, संदिग्ध हालत में ये शव पड़ा मिला है खेत में, जिसकी मेजा तहसील में कार्यरत थे एसडीएम पेशकार, और खेत में शव मिलने से फिलहाल क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। तो मेजा थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव निवासी के राजेश पांडे के यहाँ के रहने वाले थे, सूचना मिलते ही मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।